टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के पांचवें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स के नॉकआउट मुकाबलों में पहुंच गई हैं। बुधवार को खेले गए मुकाबले में पीवी सिंधु ने हांगकांग की चेंग नैन यी को स्ट्रेट सेट्स में हराकर राउंड ऑफ 16 में एंट्री कर ली है। सिंधु ने बुधवार 28 जुलाई को हुए इस मुकाबले में चेंग को 21-9, 21-16 से मात दी। वर्ल्ड नंबर 7 खिलाड़ी सिंधु का रिकॉर्ड पहले से ही हांगकांग की चेंग नैन यी के खिलाफ शानदार है। अब इस मुकाबले को जीतकर उन्होंने इसे बरकरार भी रखा है। सिंधु कभी भी चेंग नैन सी से कोई मुकाबला नहीं हारी हैं। इस मैच से पहले सिंधु का इस खिलाड़ी के खिलाफ 5-0 का रिकॉर्ड था, जो इस मैच के बाद 6-0 हो गया है। ग्रुप जे में सिंधु ने अपने दोनों मैच सीधे सेट से जीते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ग्रुप को टॉप किया और नॉकआउट में एंट्री ले ली। हर ग्रुप से टॉप पर रहने वाले खिलाड़ी को नॉकआउट मुकाबले में पहुंचना था। जानते हैं पीवी सिंधु ने कितनी आसानी से ये मैच जीत लिया। मैच की बात करें तो इस मुकाबले में 26 वर्षीय पीवी सिंधु की शुरुआत काफी अच्छी रही। अपनी कला के चलते सिंधु ने हांगकांग की खिलाड़ी को पूरे कोर्ट में दौड़ाए रखा। पहले गेम की शुरुआत में वे 6-2 से लीड करने लगी। देखते ही देखते लीड 10-3 की हो गई और पहले गेम के मध्य तक सिंधु 34वीं रैंक की चेंग से 11-5 से आगे हो गई। उसके बाद पहले गेम को खत्म करने में सिंधु ने ज्यादा समय नहीं लगाया और कुछ ही देर में 21-9 से आसानी से पहला गेम अपने नाम कर लिया। पहला गेम बुरी तरह से हारने के बाद दूसरे गेम में 28 वर्षीय चेंग ने बेहतर खेल दिखाया। दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत से एक एक कर पॉइंट्स अपने नाम कर रहे थे और गेम बराबरी पर चल रहा था। पहले स्कोर 6-6 हुआ, उसके बाद 8-8। शटल भी हवा में ज्यादा देर तक रहने लगी और हर एक पॉइंट को लेने के लिए अब समय लगने लगा। चेंग के इस प्रदर्शन से सिंधु पर भी दबाव बढ़ने लगा और उनसे भी गलतियां हुई। 15-14 के स्कोर तक सिंधु महज एक अंक से लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद सिंधु लगातार 4 अंक लेकर मैच को 19-14 पर ले आई। इसके बाद सिंधु ने 2 पॉइंट गवाए, लेकिन तब तक हांगकांग की खिलाड़ी के लिए मैच को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। सिंधु ने एक स्मैश के साथ गेम को 21-16 से जीत कर अपने नाम कर लिया। इससे पहले सिंधु ने इसराइल की सेनिया पोलिकरपोवा को 21-7, 21-10 से हराकर अपना पहला मैच भी सीधे सेट्स में जीता था। सिंधु का अगला मुकाबला डेनमार्क की वर्ल्ड नंबर 12 की खिलाड़ी मिया ब्लचपेलत से होगा, जो कि आई ग्रुप में टॉप पर रही थी। टोक्यो ओलंपिक्स में सिंधु भारत की उन खिलाड़ियों में से हैं जिनसे इस ओलंपिक में मेडल की उम्मीद है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।